हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम वर्ल्ड चैनल। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो वॉल पेंटिंग करने वाले हैं, जो सीख रहे हैं या पेंटिंग का काम कर रहे हैं, उनको ये बताऊंगा कि जो भी बेस आप कलर कर रहे हो तो उसके ऊपर लाइट कलर करें और उसके ऊपर फिर डार्क कलर से नाम लिखें, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जैसा वॉल पे होगा उसके बाद में आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, ये आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास में एक ये टेबल है कलर्स की, इस तरह की जो आपको कलर्स की दुकानों पे मिल जाएगी। ये चार्ट होता है कलर का, देखो इसके अंदर बहुत सारे कलर है। तो अधिकतर जो नाम लिखे जाते हैं और उसमें से जो कलर यूज किए जाते हैं, ये लाइट कलर है, यहाँ पे डार्क कलर है। तो आप जब बेस अगर आपका लाइट कलर का है तो डार्क कलर से नाम लिखिए, और डार्क कलर का बेस है तो लाइट कलर से नाम लिखिए, ये ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और कई पेंटरों को मैंने देखा है जो कलर्स के अंदर, देख लीजिए, और इसमें और भी कलर है लाइट के अंदर, बहुत सारे कलर्स। इस तरह के चार्ट है जो आपको दुकानों पे मिल जाएंगे, तो उस चार्ट से आपको कलर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हो जाएगी और कलर को मिला के आप अलग कलर भी बना सकते हो। एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारे है। ये दूसरी कंपनी है, नेरोलैक है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप कलर को, और ऑयल पेंट करने से पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि डेको प्लास्ट का डिब्बा होना बहुत ज़रूरी है। तो कई पेंटरों को ये पता नहीं होता है कि यार अपन डार्क कलर कर दिया और डार्क कलर से ही वो नाम लिख देते हैं, या उनका नाम फिर उतना आकर्षक नहीं लगता है। तो उसका कारण ये है कि उनको कलर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले लाइट कलर करिए, उसके बाद में आप डार्क कलर से नाम लिखोगे, और जितना डार्क कलर से नाम लिखोगे उतना अच्छा होगा। कुछ लोग शेडिंग से भी लिखते हैं, शेड लगा के भी नाम लिखते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनमें मिक्सिंग की जाती है। तो ये सब इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पेमेंट मिल रहा है और कितना पैसा मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि लोगों को मार्केट का ध्यान नहीं रहता तो फंस जाते हैं चक्कर में, एफर्ट ज़्यादा करते हैं, इनकम उनको कम मिलती है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो आपका फोकस आपके काम के ऊपर होना चाहिए, ताकि वो बेहतर से बेहतर रहे। पेमेंट आपको ऑटोमेटिक आपके पास में आता हुआ जाएगा। जितना अच्छा काम होगा, लोगों को पसंद आएगा, आपको बुलाएंगे। तो ये जो ये चार्ट है, ये कई बार क्या होता है कि लोगों को कलर करवाने होते हैं मकानों के अंदर, और उस टाइम वो दिमाग से सोचते रहते हैं कि कौन सा कलर करें कौन सा कलर नहीं करें। तो इस तरह का आपको पास में एक कार्ड होना ज़रूरी है, ताकि लोगों को आप बता सकें कि उनको कौन सा कलर पसंद है कौन सा कलर पसंद नहीं है। इससे एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है कि कलर की जो चॉइस है वो बार बार न करना पड़े। कई बार क्या होता है कि कुछ पेंटर जल्दबाजी करते हैं, उनको कह देते हैं कि यार आपको कलर करना है, और कलर कर भी देते हैं तो जो मालिक है वो यही कहेगा कि यार ये कलर तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो इससे दो चीज़ों का नुकसान होगा, एक तो कलर का भी नुकसान होगा और टाइम का भी नुकसान होगा, और एक मटेरियल का भी नुकसान होगा। तीन तरह से नुकसान होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये कार्ड इसीलिए मैंने वीडियो के अंदर बताया है, कई पेंटर गलती कर रहे हैं,
जिनके पास में इस तरह का, और ये फ्री में देते हैं दुकान वालों के पास में, ये इस तरह का चार्ट होता है कलर्स का, ये फ्री में देते हैं, लेकिन कई पेंट पता नहीं क्यों नहीं रखते हैं, और उनको ये रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर काफ़ी सारी डिटेल्स भी होती है कलर्स के बारे में, कलर्स के नाम वगैरह, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेट होते हैं। तो इस ऐसी एक बुकलेट है, वो कलर्स वालों की दुकान पर आपको फ्री में मिलेगी, तो आप इस बुकलेट का उपयोग करिए ताकि आपका समय, पैसा और मटेरियल ये ख़राब ना हो और अगले वाले का भी ख़राब ना हो। तो मैंने कहा यार इसके बारे में भी वीडियो बना ही देता हूँ, क्योंकि कई पेंटर इस मामले में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनको ये पता चले कि भाई इस बुकलेट का कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको कोई इसी तरह का नुकसान ना भुगतना पड़े। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। बुकलेट का उपयोग, इसका टाइटल डाल दूँगा मैं, पेंटिंग लाइन के अंदर इसका काम इस्तेमाल है, और ये जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये बुकलेट। इस तरह की पेंटिंग जो सीख रहे हैं उनको पता नहीं होता है कौन सा कलर क्या है क्या नहीं है, तो इस बुकलेट से सबसे ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी पेंटिंग का चार्ट। तो इस वीडियो में आपको कलर्स के बारे में जानकारी और बुकलेट के बारे में आपको बताया है, ये नए पेंटर लोगों के लिए हैं, बाकी के जो सीनियर्स हैं उनको सब जानकारी है कि